कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और बीएएलएलबी कोर्स क्या है उसके रिगार्डिंग ऑल अबाउट फुल इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं आपको, जैसा अभी स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे, आपको ऑल अबाउट बताएंगे। सीयूईटी यूजी 2024 में, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, एकदम बेसिक से आपको एडमिशन तक के वो सारी चीजें बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक्स लेने हैं आपको, यूजफुल बुक्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे, रोड मैप क्या होना चाहिए, मेंटरशिप कैसे आप ले सकते हो, खुद से भी तैयारी कर रहे हो या हमारी कोर्स भी लेना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इत्मीनान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मेरे बारे में थोड़ा आप जान लीजिए, मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था पीजी के एग्जाम में एंड बीएचयू से मैंने यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट किया है। पिछले 7 सालों से लगातार मेंटरशिप कर रहा हूं, ये 1.5 सारे एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, फिलहाल मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूं। अब देख लेते हैं बीएलएलबी ब्लैट क्लैट डिफरेंस। बीएलएलबी है क्या? बीए आप समझ रहे हो, एलएलबी बी समझ रहे हो, एलएलबी क्या हुआ, लॉ इन 3 ईयर डिग्री, बीए मतलब बैचलर इन आर्ट्स। अब बीएलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बीए और एलएलबी को कंप्लीट करके पढ़ाया जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, इंटीग्रेशन किया गया है दोनों के सिलेबस को, अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई होती भी नहीं है, ये कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी है जिन्हीं में होती है, जैसे बीएचयू, डीयू में भी इस बार शुरू किया गया है। आपको मालूम है डीयू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के थ्रू भी एडमिशन होता है, उनका अपना एक अलग कैंपस है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अलग कैंपस है। डीयू भी 5 ईयर प्रोग्राम अब स्टार्ट करने वाला है, क्लैट के थ्रू उनका वहां एडमिशन होगा। ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है। क्लैट क्या होता है? क्लैट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लियर कट रखो, बीएचयू को ये प्रोविजन किया गया बाद में कि वो अपना 5 ईयर लॉ पढ़ा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बीएएलएलबी कोर्स ही क्रिएट किया, पूरी फैकल्टी में इसकी क्लासेस की व्यवस्था की गई। 5 साल का कोर्स है, इसमें 5 ईयर प्रोग्राम है, 10 सेमेस्टर होंगे। सब्जेक्ट जो है इसमें पढ़ाए जाएंगे आर्ट्स, सोशल साइंस एंड लॉ। क्लियर कट रहिएगा, इसमें आर्ट्स, सोशल साइंस एंड लॉ, ये एक हाईली रिगार्डेड कोर्स है। प्लेसमेंट के मामले में मैं अगर बात करूं ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट स्कोर इसका रहा है। आपकी कैरियर अगर लॉ के मामले में बनाना चाहते हो, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखो इसमें जो आपका फाउंडेशन से लेकर के एक्सीलेंसी तक सारा कुछ स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। बात समझ रहे हो आप? तो ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये 12th के बाद ही होता है। तो 12th में जो बच्चे रहते हैं बहुत सीरियस स्टडी, अगर वो साइंस वाले हैं तो फिर आर्ट्स की उनकी जानकारी कम रहती है, तो वो पढ़ नहीं पाते इतने कम टाइम में, साइंस में ही वो बिजी रह जाते हैं, प्लस ये एग्जाम तुरंत होता है। तो आपको कैसे प्लान करना होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखो, आपको ये सोचोगे कि 1 साल गैप लेकर के और तब जाए, तो हो सकता है आपका एज लैप्स कर जाए, पहली चीज, आपको टाइम ही ना मिले, 1 साल वो भी वेस्ट हो जाए। तो एक साइड से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो या खुद क्लास के रूप में डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। बुक से अगर पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी करने का एक डिसिप्लिन मेंटेन करो 2-2.5 घंटे। तो आप उस बीच में, उस ड्यूरेशन में क्या पढ़ना है ये हम आपको अभी बताएंगे। या क्लास ज्वाइन कर लिया तो आप एक ड्यूरेशन में हो, जुड़े हुए हो, अचानक आपके पास एग्जाम का फॉर्म आएगा तो घबराओगे नहीं। 12th का भी एग्जाम है, इसका भी एग्जाम है, कुछ तो करना पड़ेगा अगर टाइम बचाना है तो, नहीं तो फिर एज लैप्स कर जाता है। आप एज देख लेना, आपकी एज एक बड़ा क्राइटेरिया है इसमें, अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो तो। क्लियर है ये? बीएलएलबी क्या है, ब्लैट क्या होता है, सिंपल। अब जैसे क्लैट है उसी को एक अलग नाम दे दिया गया, बी लैट, कुछ ऐसा होता नहीं है, बीएलएलबी को ही एक अलग भाषा में ब्लैट कहते हैं। तो ये भी चीज आपके दिमाग से क्लियर हो जाना चाहिए। अब इनको 10 सेमेस्टर में बांटा गया है। अगर हम सिर्फ बीएचयू की बात करें तो 74 स्टूडेंट्स को लिया जाता है, कितने, 74 स्टूडेंट्स, एंड अप्रोक्स फॉर्म अगर भरे जाते हैं, मैं हर साल देखता हूं 15,000 से 20,000, एक साल 22,000 फॉर्म इसके भरे गए थे, ठीक है। पहले एग्जाम बीएचयू का खुद आता था फॉर्म, उसके तहत भरा जाता था बीएचयू की अपनी वेबसाइट से, लेकिन ऑल इंडिया में अब सिर्फ एक एग्जाम होता है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी इस तरीके की यूनिवर्सिटी है, बीएचयू जैसे बीएलएलबी लेता है, और भी कुछ यूनिवर्सिटी है, उनका अब एक ही कॉमन एग्जाम होगा। अच्छी बात यह है कि आपके पास बैकअप रहेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से चूंकि अब ये लागू हो गया और ये हट नहीं सकता, ये प्रोसेस सीयूईटी खत्म नहीं होगा,
तो इसकी अच्छाई ही देखो, बुराई मत देखो, बुराई वैसे ज्यादा है नहीं। तो आपको एक ही एग्जाम देना है, 74 स्टूडेंट होंगे और उसका फॉर्म जो होगा वो सीयूईटी के वेबसाइट से ही होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे, हर एक इंफॉर्मेशन हम देंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 में, मतलब आपको पास होना चाहिए, 50-60% नंबर होने ही चाहिए, तो आजकल हर बच्चे को आ ही जाता है, ठीक है। चलो ड्यूरेशन अगर देख लें तो 5 साल का है, यूजी डिग्री होगी, ये पीजी की डिग्री नहीं होगी। अगर आपको पीजी करना है तो ये यूजी 5 साल कंप्लीट करने के बाद करोगे। टोटल ट्यूशन फी अगर हम देखें तो देखो ट्यूशन फी का मतलब हो जाता है 11,410, लेकिन ये एक स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी बीएचयू में पढ़ाया जाता है, ध्यान से सुनिए, स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी। उसका क्या मतलब है, आपको 60,000 हर बार फी हर साल पे करना होगा, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग बीएचयू की इस कोर्स की 22 थी, ये यूनिवर्सिटी 1921 में, ये मतलब 1916 में इसकी फाउंडिंग की गई थी, 1921 से ये लगातार चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगला एक पॉइंट, ये तो हो गया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस को जरा समझते हैं। तो यहां से जो सेक्शन शुरू होगा वो सिलेबस का शुरू होगा। सिलेबस को काइंडली नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया मैं क्लियर समझाऊंगा, एक ही लाइन में आप सिलेबस समझ जाओगे। अगर आपको दुनिया में, इंडिया की दुनिया में कोई भी एग्जाम निकालना हो, लैंग्वेज आपको चाहिए, हर कोई आंख बंद करके कोई एग्जाम निकालो लैंग्वेज तो दोगे तभी तो निकलेगा। लैंग्वेज आपको चाहिए, हिंदी चाहिए या इंग्लिश, एक लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा एक जनरल पेपर होगा, उस जनरल में मैथ रीजनिंग जीके जीएस करेंट अफेयर्स होगा, सिंपल समझो, अभी बोर्ड पे मत जाओ, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इतना इस लीगल एग्जाम है ये, चूंकि ये लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है तो इसमें जो स्पेशल चीजें हैं वो क्या है, वो है आपका लीगल एप्टीट्यूड। क्लियर है ये चीज, लीगल एप्टीट्यूड जो है ये इसमें पूछा जाएगा क्योंकि लॉ का एंट्रेंस है, समझ में आया ना। तो जनरल तो सब में होगा, लैंग्वेज सब में होगा, एक लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसको कहेंगे हम यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड को डोमेन पेपर। क्लियर हुआ या, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जनरल पेपर। अब ये बीएचयू जो है इसका पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख लो, 13 लैंग्वेज ऑप्शन है आपके पास, एक देना होगा, 40 क्वेश्चन लैंग्वेज में से 50 में से आपको 40 करना है। जो डोमेन है उसमें से अगर 45 क्वेश्चन होगा तो 35 करना हो, 50 क्वेश्चन होगा तो 40 करना है, इसी के मार्क्स जोड़ेंगे। क्लियर है ये भी, पूरा क्वेश्चन आपको, ये नहीं कि 50 क्वेश्चन है तो 50 ही करना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अब अगला ऑप्शन है आपका जनरल टेस्ट का, 60 क्वेश्चन रहेगा यूजी के बच्चों के लिए, उसमें से 50 करना है। तो अब जितना होगा उससे 4 गुना कर दो आप तो आपके फुल मार्क्स हो जाएंगे। इसीलिए हर सेक्शन में कॉमर्स साइंस आर्ट्स में सबका अलग अलग ये हो जा रहा है। तो अब समझ लो लैंग्वेज बच्चे ले सकते हैं, इसमें डोमेन लेना ही है, उसमें से कितना क्वेश्चन करना है आप एक नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल टेस्ट तो आपको लिया ही जाएगा, यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, अगर जनरल टेस्ट करेगी, जनरली करती है, तो वो आप देना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ है तो सबके अपने अपने डिमांड है। अब सिलेबस ऑफ द टेस्ट पे थोड़ा गौर से आइए, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना पड़ेगा। आपने तो देख लिया भाई, चलो लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज में मान लो आपने इंग्लिश ले लिया, तो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। याद रखिएगा जो बीएलएलबी के पेपर्स होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे भी अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरे ग्रुप में द हिंदू पेपर मैं हमेशा सेंड करता हूँ, प्लीज जुड़ जाइए, वहां पे द हिंदू पेपर अगर आप मतलब डेली जुड़ोगे तो डेली मिल जाएगा, उसको रीड करो, घर पे मंगा सकते हो तो काइंडली थॉरोली पढ़ो उसे, मैं भी पढ़ता हूँ डेली, पढ़ोगे आपकी रीडिंग कैपेसिटी एक दिन में नहीं ठीक होगी, महीनों 2 महीनों में आराम से सही हो जाएगी, अभी एग्जाम में टाइम है। डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज पूछे जाएंगे, अच्छे खासे पैसेज, वो मतलब माइंडफुलनेस चेक करेंगे आपका दिमाग है कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं, पूरी फोकस के साथ पढ़ना होगा। सिंपल समझ लो, एंटो साइनो, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, जो भी आप चाहते हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारा जो नॉर्मल ग्रामर के रूल्स हैं ये सब पूछे जाएंगे, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको YouTube पे भी और हमारी क्लासेज में भी, दोनों चीजों में आपको क्लियर रहना है। सिलेबस डोमेन, सिलेबस डोमेन भी सिलेबस हम दिखाएंगे अभी, टेंशन आपको नहीं लेना है। जनरल टेस्ट में देख लो, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये देखने में ही आपको टफ नेम है, एक्चुअली ये इजी चैप्टर्स हैं, बट एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस में अगर आप पढ़ो तो। बुक लिस्ट भी हम बताएंगे अभी, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है।
तो चलो ये सिलेबस आई थिंक आपने समझ लिया है, मोटा मोटी मैथ और रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, सारा जीके जीएस इसमें पूछा जाएगा क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है और आपका एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो ये आपको तो देना पड़ेगा। थोड़ा एलएलबी जो बीए चुका है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें हम लोग एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अभी देखेंगे और उसके बाद सिलेबस जो लीगल एप्टीट्यूड का है वो देखेंगे, फिर आपको बुक लिस्ट भी हम बताएंगे। कोर्स में अगर देखें तो 74 बच्चों का इसमें एडमिशन होगा ही होगा। इसकी एक खास बात है, ये यहाँ देखोगे आप बीएलएलबी ऑनर्स मेन में बीच में लिखा हुआ है, मेन फैकल्टी में होता है, मेन ही कैंपस में होगा, ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में 60,000 पर एनम इसकी फी है, तो ये भी एक बच्चों के लिए है, फी इसकी बहुत ज्यादा। वैसे भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाओगे 10-10, 20-20 लाख फी लगते हैं, पढ़ने में पैसा लगता है क्योंकि कैरियर बनता है, तो ये थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। तो 60,000 आपको फी हर साल देना पड़ेगा, 5 साल में 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, आपके एक्स्ट्रा ट्यूशन फी के अलावे रेगुलर फी जो है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें एडमिशन के लिए कुछ खास बातें आपको ध्यान रखना है, सिंपल इसमें इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में जनरल हो तो, 45% ओबीसी हो तो, और 40% SC ST हो तो, यही बात इतने बड़े में लिखा हुआ है, समझ में आया ना। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैक्सिमम सीट इसमें 74 होगा हर साल मेल एंड फीमेल मिला करके। तो अब आइए सिलेबस देखते हैं आपके अगले पार्ट का। प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं लीगल स्टडीज सिलेबस, इसका सब्जेक्ट कोड जो है सीयूईटी समर्थ वेबसाइट पे जो है 317 है। लीगल स्टडीज क्लास 12 की ये जो सिलेबस है वही ऑलमोस्ट दी हुई है इसमें। अगर आप पढ़ोगे तो जुडिशियरी स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, कंस्टिट्यूशन, रूल्स, इम्पार्शियलिटी, अपॉइंटमेंट्स, पूरा एनालिसिस मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या पूछा जाएगा इससे, पढ़ाऊंगा भी अगर आप पढ़ोगे तो। टॉपिक्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, एडजुडिकेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये इसके प्रोसेस होते हैं पूरे, इसको पढ़ना पड़ता है, ये एग्जाम में आएगा। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, लीगल प्रोफेशंस इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, किस तरीके की सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड कहाँ से आया, क्रिमिनल लॉ, स्टेट लॉ, लोक अदालत, लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली सिलेबस तो सब कुछ दिया है लेकिन इसमें से किस किस सेक्टर से, किस किस पार्ट से पूछा जाएगा ये हम आपको पढ़ाने समय बताएंगे। लीगल मैगजीन की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन में ये सारे नाम दिए हुए हैं और आपको जान के खुशी होगी ये सारा मैंने अपने लीगल मैगजीन की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है, आप इस बात को समझ लो, ये सारा का सारा बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज गो एंड वॉच दिस। ये हो गया। चलो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा कोर्स के बारे में, जो हमारा कोर्स है 1999 में अभी आपको मिल रहा है, इस वीडियो के रेफरेंस से याद रखिएगा। इसमें जब आप जाओगे तो काफी सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं जो आप डेमो के रूप में देख सकते हो, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा, जो ताला वाला है वो पे करने के बाद दिखेगा, लेकिन फ्री कंटेंट में यहाँ आपको दिख रहा है। कुछ लेक्चर्स भी दिख जाएंगे कैसे हम पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बताया है वो देख सकते हो आप, और जो PDFs वगैरह है उसका एक झलक ले सकते हो। हमारा WhatsApp नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो वहां भी आपको डेमो के लिए हम भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। आई थिंक हमने वो सारा चीज कवर कर लिया है वीडियो के स्टार्ट में जो हमने आपको दिखाया था, तो कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, इसके अलावे भी, तो आप हमसे जरूर पूछना। थैंक यू सो मच। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लीगल स्टडीज का 2022 का पेपर है, जो सिलेबस था एग्जैक्टली वही जो पूछा गया है। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पूछा गया है, रिलीज द लोकस स्टैंडी एंड हेंस ब्रॉट अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, अबाउट इट्स नॉन एडवर्जरियल अप्रोच, लोकस स्टैंडी मींस, ये क्या है, लीगल मैगजीन है, क्लियर कट है। इसको और आपका सिलेबस दोनों को मैं अपलोड करने जा रहा हूं अपने एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट को, ये भी अपलोड करूंगा और अगर आप कमेंट करोगे तो इसको सॉल्यूशन भी दिलवाऊंगा। आपको जाना है हमारे कोर्स पे जिसका नीचे लिंक है, उस पे आप आराम से फ्री में देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप पे ही करो, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज यहाँ पे दी गई है, क्वेश्चन भी आपको पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा और देखेंगे, अरेंज द स्टेप्स इन कलेजियम मॉडल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। व्हाट इज कलेजियम, कलेजियम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है उसकी रिकमेंडेशन कलेजियम के द्वारा की जाती है,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो कि अगले नाम को रिकमेंड करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, फिर मिनिस्टर देखते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास फाइनली वो अपॉइंटमेंट के लिए जाता है। देखो वही सारी जो है जो सिलेबस में दी गई है वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एक देख लेते, आइडेंटिफाई द बॉडीज दे वर रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1950। अब सोचो ये कितनी बड़ी कितना अच्छा सवाल है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री जानते हो तो ये कर पाओगे आप। प्रिवी काउंसिल को, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, ये सब खत्म कर दिया गया था। किस किस चीज को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वन बनाया गया, तो ये आप पढ़ोगे तब समझ में आ गया। चलो आर्टिकल से रिलेटेड हमने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल्स आपको रट जाना है, याद रखो आर्टिकल अगर आप रटोगे, जैसे आर्टिकल 32 है तो रीट ज्यूरिसडिक्शन है, 36, 43 क्या है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, 36 क्या है एपिलेट, 31 क्या है ओरिजिनल, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको खुद ब खुद इसको जब तक प्रैक्टिस याद नहीं करोगे, कोई भी टीचर आपके साथ इतनी मेहनत नहीं करेगा जितना मुझे, चूंकि ये इंटरेस्ट की चीज है मेरी, तो बिंदास पढ़ोगे आप अगर अपने पास पढ़ते हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं।